हम दो अकाउंट के माध्यम से, एक अर्निंग अकाउंट दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट, यदि हमें अपने ही अकाउंट से पैसा मिल जा रहा है हमारे खाते में अर्निंग अकाउंट में पैसा ना होने के बावजूद भी, और आसान किस्तों में अपने आप पट भी जा रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश में तो 18 साल में 18,000 किसानों को आत्महत्या करना पड़ी। हम ऐसा अद्भुत भारत क्यों नहीं चाह रहे हैं? हम कहां सोए हुए हैं? अब बताइए, वर्स प्लेसेस एक्ट में से घटिया एक्ट नहीं हो सकता है, जिसमें एक आर्टिफिशियल लाइन तय की गई है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है वो ही रहेगी। अब आप बताइए, 15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी आतताई आए थे, जिन्होंने जो भी तोड़फोड़ की, वो सब 15 अगस्त के पहले हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी? क्या ये एक्ट ये नहीं कह रहा है कि तुम गुलाम हो, तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किए गए हैं, जो भी भारत माता के जो है ना श्रृंगार के बतौर जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, दिव्य मंदिर, जिन्हें इन लोगों ने अपने क्रूड पावर को दर्शाने के लिए ना केवल तोड़ा बल्कि तोड़ने की परपाटी बना दी, ये कैसा घटिया देश है कि जहां पर हम अपने जो है ना वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण और भारत माता के श्रृंगार, हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा, क्यों रहेगा? और इतनी बड़ी दुष्टता है कि सेक्शन 4 आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा रहा है। मेरा तो मानना है कि हमारा संविधान हर किसी को फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू देन टेक द लीगल रिकोर्स। कितना घटिया देश है। अब बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, क्या हां की जीत और ना के आधार पर जो है वर्स प्लेसेस एक्ट को रद्द नहीं करना चाहिए? क्या हमें ये मांग नहीं करना चाहिए? क्या हमें 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत की बात नहीं करना चाहिए? जो हमने अभी आपको एग्रीकल्चर में बताया है कि जितनी भी कॉस्ट है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी और अर्निंग जो है किसान को मिलेगी और उसको बिना जो है ना मंडी जाए उसके ही खेत पर, जैसे ही जो है ना क्वालिटी चेक होके और पैकेजिंग होके माल बाहर निकलता है, लक्ष्मण रेखा को निकलता है, तो उसको कोई किसी को भुगतान नहीं करना है, उसको 1 MSP मिल जाएगा। अब बताइए, उसको 5 गुना आय हो गई कि नहीं हो गई? तो इसमें कौन सा बड़ा वो करना है? हम गायों की ब्रीडिंग सेंटर स्टैब्लिश करके कितना रोजगार पैदा करेंगे और वो जो है ना किसान के खेत में पहुंच जाएगी, गौशाला बन जाएंगे, जिसका भुगतान किसान को नहीं करना है। गायों के पहुंचते ही उससे जो जीवामृत घनमृत बनेगा जो आप डालेंगे, उसका जो है ना पैसा आएगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, जो दूध बेचेगा उससे कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। हमारी मिट्टी जो मर चुकी है वो 1 साल के अंदर जीवित होके और उसकी प्रोडक्टिविटी, आज जो हम जो है जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से नहीं पैदा कर पा रहे हैं, उससे 10% ज्यादा पैदावार पहले साल में कर पाएंगे। और हम लोग कितने दुष्ट हैं कि ऑर्गेनिक में जिसमें आपको खर्चा कम लग रहा है उसमें जानबूझ के जो है ना हम लोग जो है ना उसे महंगा करके बेच रहे हैं। यदि वो सस्ता करके बेचें तो आपको नहीं लगता है कि लोग बाग जो है ना जहर से वंचित हो जाएंगे, सभी लोग जो है ना अपने आप जैविक खेती पे जो है ना शिफ्ट कर जाएंगे? हमारा सोच और चिंतन मालूम नहीं कैसा है? हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हैं? वही अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी। ये क्या आज बड़ा चिंता का विषय नहीं है कि हमारा जो 2024 का जो अभी पार्लियामेंट है उसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 29% तो जघन अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, और हम में से किसी को लज्जा नहीं आती है? हम सब अपने आप को विद्वान कहते हैं और एक छोटा सा मॉडल दिया गया है कि भैया अपने घर के लोगों को शपथ करके जोड़ लो, चमत्कार हो जाएगा, जिसमें से 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद जुड़ जाना है। क्या 21 महालक्ष्यों के लिए, जिससे आप कैंसर से भी बच जाएंगे, आप समृद्ध भी हो जाएंगे, आपको कर भी नहीं लगेगा, आपको जो है ना कर्ज भी नहीं लेना होगा, ऐसा भारत मिलने के लिए क्या आप इतने निर्लज्ज हैं कि खुद भी नहीं, को भी नहीं जोड़ सकते हैं? और देखिए, डबल फायदा है उसमें, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है,
केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, केवल एक व्यक्ति को 90 जोड़ना है, मैथिली शरण गुप्त को। इतना आसान है और 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हम छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के बिना कोई जो ना जुलूस निकाले बिना कुछ किए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो है ना हाथ भी मजबूत कर पाएंगे, उन्हें 303 की जगह 543 सीटें भी दिला पाएंगे, उन्हें हम मजबूर कर पाएंगे कि वो 21 टास्क फोर्स गठित करें और 21 टास्क फोर्स के माध्यम से हम बड़ी आसानी से जो है महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतार सकते हैं। और किसी कारण से यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है तो जिन लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है ऐसे 543 लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा, हम छत पर चढ़ के उनको जिता देंगे, बिना जो है ना खर्च के वो जीत जाएगा। उस केस में जो ना माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जाके जो ना पार्लियामेंट में वो सब नियम कानून और व्यवस्था ले आएंगे। मिस्टर हरीश, व्हाट इज योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन? यदि हम सब लोग अपने अपने पर्सनल कंट्रीब्यूशंस को खोजना चालू कर देंगे तो दीपक बहुत तेजी से चलना चालू हो जाएगा। हम चाहे पार्क में जाएं तो वहां लोगों को कहें, और उसमें इफ यू फील के वहां पर हिंदी लैंग्वेज इज क्रिएटिंग इश्यूज, वी कैन हैव एन नंबर ऑफ द डिस्कशन इन इंग्लिश, बट द प्रॉब्लम